आज हम बिना फ्राई किए हुए दही बड़े बनाएंगे। यह सॉफ्ट और स्पंजी है और खाने में बिल्कुल फ्राई किए हुए दही बड़े जैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बड़े बनाने के लिए 1 कप उड़द की दाल लेंगे। इसे धो करके ओवरनाइट या 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। दाल हमारी भीग के तैयार हो गई है। पानी निकाल लिया है मैंने इसका। देखिए दाल फूल गई है और क्वांटिटी में लगभग दुगनी हो गई है। अब मिक्सिंग जार में इसको बिना पानी के ही पीसेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून ही पानी यूज किया है, इससे ज्यादा पानी ना यूज करें। दाल हमारी फिट के तैयार हो गई है। नमक डाल देंगे। अब दाल को फ्लफी बनाएंगे। फ्लफी बनाने के लिए हम 10 मिनट तक दाल को एक ही डायरेक्शन में इस तरह से चम्मच को घुमाते हुए दाल को फेटेंगे। दाल हमारी फिट कर तैयार हो गई है। देखिए कितनी फ्लफी दाल हो गई है हमारी, और इस तरह से थक्के के रूप में गिरनी चाहिए। अपम पैन लेंगे। अपम पैन के सारे मोल में हम ऑयल डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालेंगे और हर मोल में इस तरह से स्पून से हम बैटर डाल देंगे। सभी मोल में बैटर डाल देंगे। 1 चम्मच से ज्यादा बैटर ना डालें और इसे ढक करके पूरे 5 से 7 मिनट के लिए सिकने देंगे। पाँच से सात मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए दाल हमारे इस तरफ से भी सिक के तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। सभी बड़ों के ऊपर 2-3 बूंद हम ऑयल डाल देंगे। पलट लेंगे इनको। सभी बड़ों को पलट लेंगे। ढक करके फिर से 5 से 7 मिनट के लिए हम सिकने देंगे। सात मिनट हो चुकी है, चेक कर लेते हैं। देखिए बड़े हमारे इस तरह से भी सिक्के तैयार हो गए हैं। एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक बाउल में गुनगुना पानी लेंगे, नमक डाल देंगे, 1 पिंच हींग डाल देंगे, मिला लेंगे। अब हमें जितने बड़े सर्व करने हैं उतने ही बड़े इस बाउल में 10 मिनट के लिए डुबो देंगे। इससे हमारे बड़े बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। सर्विंग की तैयारी कर लेते हैं। दही लिया है मैंने। यहाँ मैंने इमली की मीठी चटनी ली है, हरे धनिया की खट्टी चटनी ली है, भुना हुआ जीरे का पाउडर, काला नमक और लाल मिर्च का पाउडर लिया है। देखिए बड़े हमारे पहले से ज़्यादा फूल गए हैं। अब इस तरह से एक बड़ा लेंगे और दोनों हाथों की हथेलियों से इस तरह से प्रेस करके इसका पानी निकाल देंगे। इससे ज़्यादा ना प्रेस करें। अब एक बड़ा मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बड़े बने हैं। सर्व कर लेते हैं। यहाँ बड़े लेंगे और इस तरह ये जो फेटा हुआ दही लिया था ये उसके ऊपर डाल देंगे। अब दोनों चटनियाँ डाल देंगे। इमली की मैंने मीठी चटनी डाल दी है। हरे धनिया की खट्टी चटनी भी डाल देंगे इसके ऊपर। अब हम मसाले डालेंगे। सफ़ेद नमक या रेगुलर नमक डाल देंगे, काला नमक डाल देंगे, जीरा पाउडर डाल देंगे और लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। हमारे बड़े खाने के लिए तैयार हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।